आइए। सो नाउ नवंबर 19 का थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत इजी है। अगर मेरे को लिखना रहेगा तो इसमें से अपने को चार करना है, तो चार में अपने फर्स्ट कॉम्पोजिट यूनिट के बारे में भी नो, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट्स। यहाँ पे मेजरमेंट के लिए वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट पैसेंजर बस, इट इज पैसेंजर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। इफ आई टॉक अबाउट लॉरी, इट इज टन किलोमीटर, ठीक है। सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस इंडस्ट्री, बेसिकली चार्जेस ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट। सो दैट यूजुअली वेरीज ऑन टू यूनिट्स। इफ आई एम ट्रैवलिंग इन अ बस, सो इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स एज वेल एज, बिकॉज बस इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसमें और भी पैसेंजर्स चढ़ते हैं, दे ट्रैवल, वैसे ही अगर मैं होटल्स की बात करूँ तो इट विल बी रूम डेज एक्सेट्रा, वी कैन हैव अ लिस्ट ऑफ 4 to 5 एग्जाम्पल, दैट इज सफिशियंट। तो पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब कॉम्पोजिट यूनिट, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूनिट यूज फॉर मेजरमेंट पर्पज, डिस्कस वेज ऑफ कंप्यूटिंग इट। ये हम लोग ने आपको बताया है, एक होता है एब्सोल्यूट, जहाँ पे हम लोग वेटेड एवरेज यूज करते हैं, याद है ना, इस टाइप का एक सम था 60 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो इसमें क्या होता है, समेशन, किसका समेशन करते हैं, डिस्टेंस इनटू लोड जो आता है उसका समेशन करते हैं, तो ये वेटेड एवरेज हो गया, और एक होता है कमर्शियल, जिसमें अपने सिंपल एवरेज यूज करते हैं। सो इन दैट केस इट विल बी एवरेज लोड इनटू समेशन डिस्टेंस, सिंपल एवरेज। तो इतना काफ़ी है लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को पूछा है 6B, दैट्स वेरी इजी। हमने आपको पूरा चार्ट दिया है नॉन इंटीग्रेटेड का, जनरल एंट्रीज पूछा है आपको। तो पहला वाला जो बोला है क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो माल स्टोर में आएगा, मूवमेंट ऑफ गुड्स, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर बीइंग रिप्लेस्ड बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। नंबर टू, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज, तो ये आपका मूवमेंट आएगा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट से WIP कंट्रोल अकाउंट। सो WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रिकवर्ड फ्रॉम सेल। मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का दो ट्रीटमेंट होता है, अगर बोलता है प्रीएड कॉस्ट है तो अपने डायरेक्टली कॉस्टिंग बिल में डाल देते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो रिकवर्ड फ्रॉम सेल, मतलब इट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, पूरा डायग्राम है। इनडायरेक्ट वेजेस इनकर्ड, वेजेस इनकर्ड का एंट्री क्या होता है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट,
टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, फिर ये ट्रांसफर होता है आपका प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। अभी इनकर्ड का बोला है राइट, इसका नेक्स्ट एंट्री विल बी, दिखा दीजिए, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन टू स्टोर, तो स्टोर में आएगा और कहां से आ रहा है, ठीक है। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। इज दैट फाइन? तो बहुत सिंपल था ये। अच्छा, 6C भी बहुत सिंपल है, आपको कॉस्ट, सॉरी 6C में इन्वेंट्री कंट्रोल, राइट। इन्वेंट्री कंट्रोल में सीधी सी बात बोली गई है कि आपको सफिशिएंट इन्वेंट्री, ये सब की पॉइंट्स है, होल्ड करना है विदाउट होल्डिंग अननेसेसरी स्टॉक, राइट। तो इन दैट केस इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बोलता है सफिशिएंट स्टॉक शुड बी मेंटेन्ड, सफिशिएंट स्टॉक शुड बी मेंटेन्ड, इसका मतलब बैलेंस शुड बी मेंटेन्ड बिटवीन स्टॉक आउट एंड ओवर स्टॉक। सफिशिएंट का मतलब कम से कम कितना रखना है सो दैट आपका प्रोडक्शन बंद नहीं हो, और ज्यादा से ज्यादा आप कितना रख सकते हैं जिससे आपका कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं हो जाए। तो बेसिकली आपको स्टॉक आउट कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट के बीच में आपको एक इक्विलिब्रियम, जैसे ईओक्यू होता है, इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट बिटवीन ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट, वेयर एज इन्वेंटरी कंट्रोल में मेरा स्टॉक आउट एंड कैरिंग कॉस्ट के बारे में बात किया गया है। तो बैलेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन स्टॉक आउट एंड, मतलब आप ऐसा मत करिए कि आपका स्टॉक आउट हो जाए, और ऐसा भी मत करिए कि आपका ओवर स्टॉकिंग हो जाए, उसके लिए आपको प्रॉपर इन्वेंट्री का प्लानिंग चाहिए, राइट। बेसिस टू बी
adopted for इन्वेंट्री कंट्रोल. एक तो है हमारा स्टॉक लेवल, एक है हमारा एबीसी एनालिसिस, याद है ना. देन वी हैव रेशियो एनालिसिस, राइट. बहुत है, इतना बहुत है, इससे ज्यादा लिखने का दरकार नहीं है आप लोग को. और अगर लिखना है तो आप उसके बाद लिख सकते हैं बीच बीच में फिजिकल चेकिंग. राइट. तो इन्वेंट्री कंट्रोल का डेफिनेशन इंस्टीट्यूट के बुक में भी दिया हुआ है. सफिशियंट इन्वेंट्री अपने को होल्ड करना है विदाउट होल्डिंग अननेसेसरी स्टॉक. द ऑब्जेक्टिव यू शुड मेंटेन सफिशियंट, यू शुड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन बींग स्टॉक आउट एंड बींग ओवर स्टॉकिंग. बींग स्टॉक आउट होने से प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, आपका रेवेन्यू का लॉस होगा. एंड ओवर स्टॉकिंग होने से आपका कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, राइट. सो बेसिकली इतना काफी है बेटा, इतना लिख देंगे ना, इससे ज्यादा दरकार भी नहीं है. स्टॉक आउट कॉस्ट वर्सेस कैरिंग कॉस्ट. ठीक है, नाउ 6D आपको कॉस्ट यूनिट पूछा है, राइट. डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री का. Electricity, it is kilowatt hours or HP hours, आप कोई भी एक लिख सकते हैं. Automobile industry, it will be number. Cement का cost unit will be bag, per bag. Steel, it will be ton. गैस इट इज बींग क्यूबिक फीट. ब्रिक मेकिंग में होगा 1000 ब्रिक्स. कोयल माइनिंग अगेन इट इज टन. इंजीनियरिंग इट हैज टू बी पर कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिक जॉब, राइट. यू हैव टू बी फास्ट बेटा. और कितना, 5 नंबर के लिए क्या 1 घंटा लगाएंगे क्या? फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज इट हैज टू बी चार्जेबल आवर्स, जितना घंटा मैंने उसका काम किया है. And hospital it will be patient bed days.
ठीक है। सिक्स ई जीरो बेस बजटिंग, यूजुअली नो प्रीवियस बेस, ऑल एक्टिविटीज टू बी एग्जामिन्ड अगेन राइट स्क्रैच, राइट फ्रॉम स्क्रैच। यूजुअली क्या होता है, जो पिछले साल का होता है वही हमारा बजट बना लेते हैं उसके बेसिस पे, बट यहां पे बोला नो प्रीवियस बेस। जैसे अगर आप कोई खर्चा अज्यूम कर रहे हैं तो आपके पास के कोई ऑर्डर आया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पावर कॉस्ट अज्यूम कर रहा हूँ, किस लिए, कोई ऑर्डर आया है नहीं ना, तो ऑल एक्टिविटीज टू बी री एग्जामिन्ड अगेन। जिससे क्या होता है, सारे एक्टिविटीज के उसमें कंट्रोल किया जाता है कि भैया अगर ये एक्टिविटी दरकार नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे राइट। रिसोर्सेज आर एलोकेटेड वंस द एक्टिविटीज आर री एग्जामिन्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप, ये मैंने क्लास में आपको डिस्कस किया है पॉइंट्स, और पॉइंट्स आप लोग ऐड कर लीजिएगा। कोई बेस नहीं है आपके पास में, ठीक है।